वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन दिस चैनल यू गेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं आपको डार्क कलर के कपड़े को पेंट करने का सारा ए टू जेड तरीका बताऊँगी, तो इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ये हमारा ट्रेसिंग पेपर है जिस पर डिज़ाइन मैंने बना ली है। हमें ज़रूरत होगी एक कार्बन पेपर की, जो कि हम फैब्रिक और ट्रेसिंग पेपर के बीच में रखेंगे। फिर हम पेंसिल से थोड़ा प्रेशर रखते हुए डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। प्रेशर जो है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई प्रेशर भी नहीं रखेंगे, वरना ट्रेसिंग पेपर फट सकता है। और ज़्यादा अगर आप बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से बनाएंगे तो हो सकता है वो अच्छे से ट्रांसफ़र ना हो। जो दूसरे हाथ से जिससे आपने ट्रेसिंग पेपर पकड़ा है वो हाथ बहुत आराम से रखना है, वरना वहाँ की भी इंक जो है कपड़े पे ट्रांसफ़र हो सकती है। सारी आउटलाइन को रिपीट करने के बाद हटाएंगे हम, और देखिए ये आपको एक क्लियर ट्रांसफ़र हो गया है। हमारी डिज़ाइन ट्रेस हो चुकी है, अब हमें चाहिए फ्रेम। ये डिज़ाइन थोड़ी सी छोटी है तो आप छोटा फ्रेम लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ा फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। इनकेस मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के फ्रेम आते हैं, इसको एम्ब्रॉयडरी हुप भी बोलते हैं। तो जो रिंग है, जो सिंपल रिंग है जिस पे कोई भी स्क्रू नहीं लगा है, वो हम नीचे रखते हैं, और जो स्क्रू वाला है वो हम ऊपर रखते हैं। कपड़े को फ्रेम में फिट करने से पहले हमें जो स्क्रू है उसको लूज़ करना होता है, वो टाइट होता है, तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर आपका नहीं जा रहा है तो आप जितना भी ज़्यादा आपको थिकनेस है कपड़े की उसके अकॉर्डिंग स्क्रू खोल लीजिए। फिर अच्छे से फिट करने के बाद आप बाद में उसको टाइट कर लीजिए, और साइड साइड से कपड़े को खींच भी लीजिएगा ताकि आपको एकदम स्मूथ सरफेस मिले पेंटिंग के लिए। ये है मीडियम और ये वाइट कलर। मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। देखिए मेरी बॉटल में वाइट वाले में पहले से थोड़ा कम पेंट था, मैंने उसी में मिला लिया है। मीडियम से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैं अब आपको इसमें एक वाइट लेयर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जो वाइट लेयर है आपको लगाना है तो वो थिन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगी। ये जो मैं कर रही हूँ वाइट लेयर, आप देख रहे हैं ना, ये थिन लेयर है। हल्का हल्का ग्रीनिश पार्ट जो है वो दिख रहा है अभी, वो जब ड्राई हो जाएगी तो भी आपको समझ आएगा कि वो बहुत थिन है। और मीडियम ज़रूर आपको मिलाना है, बिना मीडियम मिलाए नहीं करना है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे और फिर पेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरी डिज़ाइन को पेंट करने के लिए मेनली हमें चार कलर की ज़रूरत है, और ये जो पांचवा ब्राउन कलर है वो हल्का, बहुत ज़्यादा उसकी हल्की हल्की ज़रूरत है आगे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि ये फैब्रिक खुद ही डार्क ग्रीन कलर का है, तो इस पर मैंने यूज़ किया है पैरेट ग्रीन कलर। ब्रश नंबर 6 है, और पहले हम उसकी डंठल बनाएंगे, बहुत ही आराम से बनाएंगे ताकि जो डंठल की कर्व है वो ख़राब ना हो जाए। डंठल में एक स्ट्रेट जैसा लुक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन थोड़ी मुड़ी हुई है, तो हम बहुत आराम आराम से ब्रश चलाएंगे अच्छे से ब्लेंड करते हुए। सारी डंठल को पहले पैलेट ग्रीन कलर से पेंट करने के बाद अब हम जो डार्क ब्राउन कलर है उससे हल्का सा फिनिश करेंगे, बहुत ही हल्का, एक टिप पे बस आपके लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि एक बस एक लुक एक चाहिए, ये ज़्यादा उस पर कलर ब्राउन नहीं आना चाहिए, तो इसलिए बहुत ही हल्का कलर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आप देखिएगा ज़्यादा कलर ना लगे, वरना उससे लुक ख़राब भी हो सकता है। डंठल पेंट करने के बाद हम लीफ पेंट करेंगे। लीव हम तीन कलर से पेंट करेंगे, वाइट, पैरेट ग्रीन और येलो। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि किस जगह पे आपको येलो लगाना है और कहाँ पे वाइट, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि ये कपड़ा खुद ही ग्रीन कलर का है, तो आपको इस तरीके से शेड करना है। अगर आप ग्रीन, इस तरीके का ग्रीन कपड़ा यूज़ करते हैं पेंट करने के लिए, या सूट या साड़ी या किसी भी चीज़ के लिए, आप कर सकते हैं। मैं आपको एक डिज़ाइन बना के आइडिया दे देती हूँ कि कैसे करना है, उसको आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने स्टाइल से अरेंज करके बना सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको इस कपड़े पे कैसे लीव बनानी, या तो फिर आप डार्क कलर के साथ जा सकते हैं, ब्लैक या कुछ भी, या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। लेकिन अगर आप फ्लोरल में आपको रियल लुक भी रखना है और ये कलर भी है आपका,
तो आपको कैसे पेंट करना है वो मैं आज आपको इसमें बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका जो कमेंट में ज़्यादातर ये क्वेश्चन था कि मैं डार्क फैब्रिक पे पेंट करके बताऊं और आपका जो है पेंट करने पे फेड क्यों हो जाता है, तो उसका जो रीज़न है वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगी उसके डिटेल्स। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इस स्लीव को जब हम पेंट करेंगे तो इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ऊपर वाला वो हम लाइट रख रहे हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको डार्क रखना है। तो अब इसमें जो डार्क कलर है वो तो पैरेट ग्रीन ही है, क्योंकि हम सैप ग्रीन वगैरह इस पर नहीं लगा सकते, वो कप जो हमारा फैब्रिक है वो उसमें एकदम मैच हो जाएगा। तो मिक्स एंड मैच होने के बाद जो डिज़ाइन ओवरऑल लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले या तो आप ऊपर वाइट हल्का सा लगाने से क्या होगा कि अच्छा सा हाईलाइट लुक आएगा, हाईलाइटेड लुक आएगा। और अगर डायरेक्ट येलो लगाएंगे तो वो उतना अच्छे से, वो बोलते हैं ना, खिल के नहीं आएगा। तो इसलिए हम आगे हैं हल्का सा वाइट लगाएंगे, उसके बाद येलो और देन ग्रीन, और फिर बीच बीच में भी कहीं येलो लगा देंगे उसको हाईलाइट करने के लिए। आप लीफ पेंटिंग का स्टेप देखिए ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये पार्ट एक दो बार ऐसे रिवाइंड करके देख लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, काम माइंड से देखना है, ये सोचते हो कि आपको समझ आएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं हर एक न्यू वीडियो में आपको कुछ डिफरेंट और न्यू स्टाइल की डिज़ाइन शेडिंग सिखा सकूं, और एक ओरिजिनल और न्यू डिज़ाइन भी आपको दे सकूं, ताकि आप उससे कुछ भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप दुपट्टा, पेंटिंग, बेडशीट कुछ भी बना रहे हों। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें, उनके साथ ज़रूर शेयर करें जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, उनको पेंटिंग पसंद है, या वो लोग जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन कहीं जा के सीख नहीं सकते, तो आप उनके लिए भी बहुत अच्छा फेवर करेंगे और मेरे लिए भी, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है मुझे सपोर्ट करने का। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ीरो नंबर के ब्रश से हम फाइन लाइन डालेंगे लीव में, उससे ये और क्लियर और बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगती है, बिल्कुल ही रियल लीव की तरह। अब हमारा ग्रीन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम फ्लावर को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। वी विल यूज़ 3 कलर फॉर पेंटिंग फ्लावर, वाइट, येलो एंड पिंक कलर। फ्लावर को पेंट करने के लिए हम 3 कलर का यूज़ करने वाले हैं, वाइट, येलो और पिंक कलर। वाइट और येलो मेजर पार्ट में यूज़ करेंगे, और जो पिंक कलर है वो शेड को इन्हेंस करने के लिए। सबसे पहले हम लोग पिटल को नॉर्मल जैसे सिंपल फ्लावर पेंट करते हैं वैसे करेंगे, दो तरह का शेड लगा के ऊपर नीचे से, और उसको हल्का हल्का अच्छे से मिक्स और ब्लेंड करने के बाद पिंक कलर लेंगे ब्रश में, नीचे से हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, और उसको ऊपर की तरफ करते हुए शेड कर देंगे और छोड़ देंगे। सारे पिटल में यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। उसके बाद में इसमें अभी बहुत सारी डिटेल्स डाली हैं फ्लावर में, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले चलिए इसी तरीके से फ्लावर को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पेंट दिस फ्लावर लाइक ए सिंपल फ्लावर बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शेड ऑफ 2 कलर्स, येलो एंड वाइट, देन मिक्स देम टुगेदर नाइसली, देन टेक पिंक कलर ऑन अ टिप ऑफ ब्रश एंड शेड फ्रॉम सेंटर टू अपवर्ड डायरेक्शन। वी विल एड डिटेल्स फर्दर इन द वीडियो। लेट्स फर्स्ट कंप्लीट द फ्लावर लाइक दिस। मेक श्योर दैट पिंक शेड डजंट ओवरटेक येलो, बिकॉज इट इज़ अ येलो फ्लावर विथ अ पिंक शेड, नॉट अ पिंक फ्लावर। ओके,
Now I am using brown, pink, yellow and black color for center and more details of the flower. So watch carefully. ब्राउन कलर से सबसे पहले सारे सेंटर को फिल कर देंगे, फिर पिंक कलर लेंगे और उसका छोटा छोटा पराग बनाएंगे, कुछ छोटा कुछ उससे बड़ा, अनइवन तरीके का बनाएंगे ताकि वो रियल लगे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में डिज़ाइन में देखा था। डिज़ाइन में मैंने कुछ उसी तरीके से डिज़ाइन किया था, तो हम उसी तरीके से इसको पेंट भी करेंगे। इसको करने के बाद अब हम येलो कलर लेंगे और ये सारी जो डिटेल्स हैं वो मैं 0 नंबर के ब्रश से डाल रही हूँ। आप 1 नंबर का भी ले सकते हैं या 00, बस आपका हेयर जो है ब्रश का ऐसा होना चाहिए। फिर हम लेंगे येलो कलर और उससे हल्के हल्के टिप से उसके छोटा छोटा डॉट देते हुए फ्लावर जो पिंक कलर का हमने पराग बनाया था उसके आसपास में ऐसा डॉट देंगे। डॉट देने के बाद अब हम ब्लैक कलर लेंगे और ब्लैक कलर को आपको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है, ज़्यादा उसका अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ही थोड़ा सा लेंगे और बहुत ही फाइन लाइन अंदर डालेंगे पिंक पराग के अंदर। और ये देख रहे हैं हमारा जो फ्लावर का लुक है बिल्कुल ही चेंज हो गया। देखिए ये वाला जो जिसमें अभी मैं डाल चुकी हूँ और जिसमें नहीं डाली हूँ, एक विजिबल सा डिफरेंस समझ आ रहा था। ये है हमारी कंप्लीट डिज़ाइन। डार्क कलर का फैब्रिक अपने से लाइट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम उस पर वाइट कोट लगाएंगे और तब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और फ्रेश रहेगा। आप चैनल को विजिट करके और भी अमेजिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।